तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक डार्क साइड की तरह, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही डरावने किस्से। तो लास्ट तक बने रहना। और लास्ट वाला तो एक वर्ल्ड विदाउट सीड। एक प्लेयर नॉर्मल अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करता है, और उसको उस वर्ल्ड में जाते ही बोनस चेस्ट मिलती है, और उसने बोनस चेस्ट तो एक्टिवेट भी नहीं करी थी, फिर भी उसको बोनस चेस्ट मिलती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके आसपास विलेज सब कुछ था, सारे एक तरह के बायोम विलेज, काफ़ी बड़ी विलेज। तो उसके एक फ्रेंड ने उससे सीड मांगी कि ये सीड मुझे भी दे, मैं भी इस वर्ल्ड में खेलना चाहूँगा। मतलब उसके साथ नहीं, अपने उसमें एक अलग वर्ल्ड बनाऊँगा अपने पीसी में। तो उस बंदे ने जैसे सीड के लिए जैसे उसने कमांड दी, वहाँ पे कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ब्लैंक और कुछ एरर आ गया। तो उसने वर्ल्ड के डिटेल्स में जाकर देखा तो उसमें भी कोई सीड नहीं थी। ये उन दोनों को काफ़ी हद अजीब लगी, सोचा कि कुछ ग्लिच होगा, तो छोड़ो। पहले दिन तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसको अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखने लगे, इन्फिनेट कासल टाइप, जो आप डीमन स्लेयर में देखते। ये बिल्कुल असली स्क्रीनशॉट है जो उस बंदे ने खींचा था। ये बंदा उसको देख के चौंक गया, बट उसको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान मिला, गोल्डन एप्पल वगैरह काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक माइनशाफ्ट है, इसके अंदर चेस्ट में काफ़ी अच्छा सामान मिलता है, और ये इन्फिनिटी लेवल तक है। इस बंदे की तो लॉटरी लग गई समझो, इसको कुछ भी चाहिए होता वो यहाँ से आता और कुछ भी ले लेता, डायमंड वगैरह गोल्डन एप्पल वगैरह सब इस चेस्ट में रखे रहते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, ये बंदा पहुँच गया माइनक्राफ्ट के एंड पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उसको मिल ही नहीं रहा है। उस बंदे को पूरे 3 घंटे हो गए स्ट्रॉन्ग होल्ड में घूमते हुए, बट उसको वो पोर्टल मिला ही नहीं। उसका यही कहना था कि इसका एंड पॉइंट ही नहीं है, वो जाया जा रहा है, नई नई चीज़ आई जा रही है, बट उसको वो पोर्टल नहीं मिल रहा। उस बंदे ने अपना गेम को गुस्से मांग के क्रिएटिव करा और उससे बाहर निकला, ऊपर की ओर सीधे बाहर निकला, और अपना एक्सरे विजन ऑन करा, जो माइनक्राफ्ट को कमांड कर दिया कि आप कर सकते हैं। तो उसको दिखी है कबीना ख़त्म होने वाली प्रिजन। ये एक ऐसी प्रिजन जो कभी ख़त्म नहीं हो रही। इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन थे, वो भी माइनक्राफ्ट वाले स्केलेटन नहीं, अजीब वाले स्केलेटन जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे थे। और ये सब चीज़ों के बाद जब वो बंदा तंग आ गया, तो वो बंदा अपने घर पे गया, और घर पे जाते ही उस बंदे को एक बेडरॉक वॉल ने कवर कर लिया, और वो वॉल बंद हो गई, मतलब आपस में वो सारे चारों वॉल्स आपस में चिपक गए, और वो बंदा वहीं पे मर गया। और ये है वो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट, जब वो वॉल बन रही थी वो एकदम से स्पॉन नहीं, वो धीरे धीरे वॉल बनने लगी, वो बंदा एक जगह फ्रीज हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो एंड में वो उस बॉल के अंदर आके पिस गया और उसका पीसी हो गया क्रैश। चलते हैं हम अपने नए इंसिडेंट की तरफ। हॉन्टेड वर्ल्ड। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इस वर्ल्ड में क्या होने वाला है, इसकी कोई सीड वगैरह नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक वर्जन भी नहीं है, बट ये नॉर्मल से एक वर्ल्ड है जिसके साथ ये घटना घटी थी। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसने एक वर्ल्ड बनाया, नॉर्मल सा वर्ल्ड। वो स्पॉन हुए एक अलग ही जगह पे। ये था उनका पहला स्पॉन पॉइंट, जहाँ वो फर्स्ट टाइम स्पॉन होती है, उनको अजीब सा नेगेटिव फील होने लगा, एक एंटिटी उनको नज़र आने लगी, फुल ब्लैक एंटिटी नज़र आने लगी, जिसका फेस से जीभ बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई थी, और उससे ब्लड टपक रहा था, और उसके हाथ में कुछ चाकू टाइप कोई वेपन था। बल्कि ये कहा जाता है कि ये कहानी माइनक्राफ्ट के इनिशियल स्टेज वाली है। माइनक्राफ्ट के इनिशियल स्टेज में ये सब ग्लिचेस या फिर ये सब चीज़ें आम बात थी, क्योंकि माइनक्राफ्ट में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सब चीज़ें उसमें डाली होंगी, क्योंकि बिना डाले ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, खासकर गेम के अंदर, तो ये गेम वालों के कुछ हाथ होते। तो ये सब चीज़ें उनको नज़र आने लगी। और एक बार तो जब वे दोनों माइनिंग के लिए जा रहे थे, तो वही एंटिटी एक बकरी को ज़मीन पर गिरा के उसको पेट को फाड़ के उसमें से कुछ खा रही थी, कुछ क्या उसके अंदर का माल वो खा रही थी, और उसके जीभ इतनी बड़ी थी कि वो उसके आँखों से निकल रही थी, यानी कि पेट के अंदर से जाके वो उसकी जीभ आँखों से निकल रही थी। उसके एक जीभ के अंदर दो एज। उन लोगों की बहुत ज़्यादा फट गए इस चीज़ को देख के, उन लोगों की क्या किसी की भी फट जाए अगर ये सीन देख ले तो। वे दोनों अपने घर के अंदर गए और उनको दिखाई ये कि उनके घर के ऊपर एक प्लस बनाया हुआ है, क्रॉस बनाया हुआ है, जिसके ऊपर रेड टॉर्चेस है, और उनके घर के बगल में जो बिल्कुल प्लेन था, अब वहाँ आ चुकी है एक केव।
और केव भी सिंपल केव नहीं, उसके अंदर रेड टॉर्चेस, प्लस का साइन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और जैसे ही वे लोग उस केव के अंदर एंटर किए, मुझे नहीं पता वो क्यों एंटर किए, उनको तो सिर्फ भाग जाना चाहिए था गेम छोड़ के, कि वो किए एंटर। और एंटर करते वो टेलीपोर्ट हुए एक बेडरॉफ के प्रिजन, जहाँ पे थी बहुत सारी रेड टॉर्च और एक अजीब सा साइन जिसके अंदर कुछ और ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो उनके कुछ समझ नहीं आया। उन लोगों ने क्रिएटिव मोड करा और वहाँ से भागे। उन्होंने एक सोचा, हम नेदर की ओर जाकर देखते हैं कि नेदर में क्या हो रहा है, कि रियल वर्ल्ड में तो कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, हम चलते हैं नेदर के अंदर। तो उनको नेदर के अंदर जाते ही उनको मिली एक अजीब सी फोर्ट्रेस। ये फोर्ट्रेस आधी अधूरी बनी हुई थी, पूरी तरह से टूटी हुई। और जैसे ही लोग उस फोर्ट्रेस के अंदर एंटर हुए, तो वो एंटिटी वहीं पे बैठी थी फोर्ट्रेस में, जैसे उनका इंतज़ार कर रही हो, और उन दोनों पे अटैक कर दिया और उनको पेट के फाड़ के उसको भी खाने लगी। वो वर्ल्ड उनका डिलीट हो गया, उनको कभी नहीं मिला, और आज वे दोनों लोग मेंटल असाइलम में हैं। चलते हैं हम अपने नए इंसिडेंट की तरफ। कल्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताता हूँ। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक गॉड को पूजते हैं, और ये कुछ रिचुअल तरह के करते हैं, बहुत खतरनाक रिचुअल्स होते हैं, बलि वगैरह देते हैं। तो सेम ऐसे ही एक माइनक्राफ्ट का कल्ट था, जिसका मेन मकसद था माइनक्राफ्ट की कोडिंग को चेंज करना, उसके अंदर कुछ ऐसे चीज डालना जो माइनक्राफ्ट वाले नहीं डाल पाए। मतलब उनको खेलने में कुछ खास मज़ा आता नहीं था, तो वो माइनक्राफ्ट को अपनी ओर से मॉडिफाई करना चाहते थे। मेन मकसद इस कल्ट का ये था। हाँ, तो इन लोगों ने एक सर्वर वर्ल्ड बनाया, उसमें ये लोग खेलते थे और अपने रिचुअल वगैरह परफॉर्म करते थे। तो उनके वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ें होती थी। उन्होंने एक रिचुअल करके बनाई रेड कलर की वुड्स। हाँ, ये वुड्स ही हैं, बहुत सारे वुड्स। इनको माइनक्राफ्ट के कलर कुछ ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, तो उन्होंने अपना ही सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके माइनक्राफ्ट को पूरा चेंज करने लग गए, जैसे दो पैरों पर चलने वाले पिग, सीप, और चार पैरों पर चलने वाले ज़ोंबी वगैरह, ये सब चीज़ें बनाने लगे अपने मज़े के लिए। इन्होंने ऐड करी माइनक्राफ्ट में ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी क्या करती थी, ब्लॉक को मार देती थी। जैसे सैंड वगैरह अगर ऊपर से गिरे तो वो लोग मर जाएंगे। कुल मिला के उनके अंदर भी जान दे दी थी इन लोगों ने। सर्वाइवल में भी होते हुए हवा में उड़ने की पावर, ये सब चीज़ें उन्होंने माइनक्राफ्ट में ऐड कर दिया था। और अब आता है गेम में ट्विस्ट। जैसे कि आप हर जगह देखते हैं कि गलत काम का कोई ना कोई नतीजा होता है, उन्होंने गलती से बना दिया एक ऐसी एंटिटी को जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ये उस एंटिटी का एक लास्ट फोटो है, क्योंकि उसके बाद इस एंटिटी ने उनको फ़ोटो लेने के लिए छोड़ा ही नहीं। जैसे ये लोग रिचुअल कर रहे थे, अचानक से पूरा मौसम चेंज हो गया, एक बहुत ज़ोर से धमाका हुआ और ये एंटिटी बाहर आई, और ये आती केव के अंदर जाके छुप गई। और ये स्क्रीनशॉट है उस टाइम का जब वो छुपी थी जाके, और ये लोग उसके पास गए, उसको चढ़ाने लगे कि हमने तो तुझको इतना ज़्यादा पावरफुल ड्रामा बनाया है और तू यहाँ पे जाके छुप रहा है। तो उस एंटिटी को गुस्सा आ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग मरने लगे, उसमें कुछ 6-7 मेंबर थे उस कल्ट के, वो लोग ऐसे मरने लगे कि रेड टॉर्चेस उनके मुँह के अंदर घुसी हुई हैं। वो जो मेन प्लेयर है, जो सबसे लास्ट में मरा था, मेन नहीं कह सकते हैं, मतलब जो सबसे लास्ट में मरा था, उसने ये सब चीज़ें देखी कि उसके प्लेयर जितने दोस्त हैं उनके मुंह के अंदर रेड टॉर्चेस घुसा रखी हैं। लगभग 20-30 रेड टॉर्चेस उनके मुंह के अंदर घुसी हुई है, उनकी आंखों के अंदर, उनका पूरा मुंह ब्लैक हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और वो एंटिटी ने उनका एक तरह से समझ लो खून चूस लिया, वो ऐसा कर दिया। और जब इस बंदे की बारी आई तो इस बंदे के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। कुछ इतने ज़्यादा स्क्रीनशॉट इसके लिए नहीं पड़े हैं, बट इसका एक स्पेशल विकिपीडिया पेज भी है, इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब पॉपुलर तो नहीं है, इतनी ज़्यादा ये डरावनी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। इसलिए कहते हैं कि ये गलत काम मत किया करो, और हमेशा गॉड की ही पूजा करो, उल्टे सीधे काम मत करो। बाय बाय।